नमस्कार, लाल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर एक में शनि क्या कहता है। कहा गया है कि भरे जन्म पर दवामी जो, बोल देंगे जीवन में नीलामी। कहा गया है कि पिता ने बहुत कुछ बना कर रखा, संभाल कर रखा, जब शनि लगन वाला पैदा हुआ तो अब सब कुछ नीलाम होने लगा। पिता ने खुशी मनाई, ढोल ढमाके बजाए कि लड़का पैदा हुआ है, उसे क्या पता अजल का फरिश्ता नीलामी के लिए आया है। लेकिन डरना नहीं, बहुत से उपायों से नेक फल हो जाता है। इसी तरह से शनि लगन वाला कहा गया कि शनि लगन में नीच का फल देता है और पाप मंदा हो टेवे में। कहा गया है राहु और केतु मंदे हो तो कुंडली में बहुत सी खराबी पैदा हो जाती है। सबसे पहले हमें शनि देखना है, फिर राहु और केतु का फल ठीक करना है, फिर कुंडली मच्छ रेखा की तरफ लेकर जाएंगे, नहीं तो काग रेखा है, गरीबी की रेखा है। और ये आपको कोई लाल किताब के जानकार ज्योतिषी जो आपके शहर में नज़दीक में हो वो बता सकते हैं, लेकिन इनको जानकारी अच्छी हो तब, नहीं तो आप नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके हम कार्यालय से पूछ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर दो, यहाँ पर कहा गया है कि नंगे पांव अगर तू धर्म स्थान में जाता रहेगा तो तेरी शनि की खाना नंबर दो की खराबी दूर होती चली जाएगी। यहां तक भी कहा गया है कि शनि अगर खाना नंबर दो वाला दामाद बने तो ससुराल की नैया डबो देता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, फिर भी आप अपनी कुंडली हमेशा दिखाएं। जब शादी करनी हो तो शनि दो वाले की कुंडली को विवेचन करवाएं, तब शादी करें। कई बार बहुत अच्छा फल है, कई बार बहुत बुरा फल है, लेकिन लाल किताब के जानकार ज्योतिषी आपको बता सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर तीन, यहां पर शनि को कहा गया है कि खाना नंबर तीन ग्रह फल और राशि फल का है। अगर ऐसा जातक अपना मकान पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ वाला बना ले तो फिर गरीबी का कुत्ता भौंकता है। शनि तीन वाले को काले रंग का कुत्ता पाल लेना चाहिए। ये सरल सा उपाय बता रहा हूँ आपको, फिर कुत्ता भौंकेगा, गरीबी नहीं भौंकेगी। इसी तरह से अगर कुत्ता पालने की व्यवस्था ना हो, किसी के पास जगह नहीं होती, पाल नहीं सकता, या किसी फ्लैट्स में रहता है या छोटी जगह होती है तो वहाँ पर पालना संभव नहीं है, तो मिट्टी के तीन काले रंग के कुत्ते लाकर घर में खिलौने रख लें तो अब शनि का फल नेक हो जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर चार, शनि हो जिस जातक का, कहा गया है कि किसी को पैरालाइज भी हो जाए तो ऐसा जातक शनि चार वाला ठीक कर देता है, इसके हाथ से पिया हुआ पानी भी ठीक कर देता है। और खास करके शनि चार वाले को रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए, और शनि चार वाले को कभी अपना मकान ना बनाए, नहीं तो माता को सांप लड़ेगा या मामू को सांप लड़ेगा। कहने का भाव कि माता की सेहतमंदी या मृत्यु, इसी तरह से मामा की सेहतमंदी या मृत्यु का योग बन जाएगा शनि चार वाला अपना मकान ना बनाए, ध्यान रखे। इसी तरह से खाना नंबर पांच, यहां पर शनि कहा गया है कि बच्चों को खाने वाला सांप माता के पेट में ही मार देता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर पांच में शनि हो वो भी मकान ना बनाए, और जिस दिन मकान बनाए तो औलाद का फल मंदा हो जाए,
हर तरह से। और शनि पांच वाले को कुछ उपाय हैं बादामों के, वो किसी आप लाल किताब के जानकर ज्योतिषी से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर छः, ऐसा जातक भी अपनी 39 या 42 साल की उम्र तक मकान मत बनाए तो उसका जीवन और उसका कारोबार खत्म हो जाएगा, फिर कारोबार के लिए तरसेगा। जहाँ पर कारोबार करता था वहाँ पर जाकर नौकरी करने लग जाएगा, जिनको नौकरी पर रखा हुआ था फिर उन्हीं के पास नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए खाना नंबर छः वाले को ध्यान रखना चाहिए। इसके भी बहुत से उपाय हैं, आपको विस्तार से नहीं बता सकते, समय का अभाव होता है, इसलिए नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं अपनी कुंडली का विवेचन। और आपको जानकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लाल किताब के सीखने के इच्छुक हों और लाल किताब का वास्तु भी सिखाया जा रहा है। हम पिछले लगातार 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं लुधियाना में, और आप अगर सीखना चाहते हो तो हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं और आप कोचिंग सेंटर में आकर भी सीख सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।